हेलो, इसमें आने चैनल में आप देख रहे हैं चैनल रेड का। आज हम बनाने जा रहे हैं ये स्पीक ध्यान को। तो इसको कैसे बनाते हैं तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो हाँ गाइस, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। गाइस, ये वाले फैन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक डब्बे चाहिए। इस डब्बे आपको घर पे मिल जाएगी। तो इसके ऊपर हम एक जो पंखुड़िया होती है उसको रख के हम मार्किंग कर लेंगे और उसको यहाँ से कट कर देंगे चाकू की मदद से। हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए, मैं चाकू की मदद से कट कर देता हूँ। गाइस, ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। क्या मैं इसको अच्छे से कट कर दिया है। हमें इस अंकुड़िया को कुछ इस प्रकार से इसके अंदर लगाना है। मैं रिफिल की थोड़ी सी टुकड़ा कट करके मैं इस पंखुड़िया के बीच में लगा दूंगी। और ये वाली मोटर आपको सीडी के प्लेयर से मिल जाएगी। तो देखिए, ये थोड़ी सी ढीली आ रही है तो इसलिए मैं रिफिल के टुकड़ा को इसके बीच में लगा के मोटर के शाफ्ट पर लगा दूंगी तो ये हो जाएगी। तो इस मोटर को फिट करने के लिए मैं टीन कनेक्टर की कट करके इस तरह एंगल दे दिया है। आप भी आसानी से कर दोगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो मैं इसको पहले से करके रखा दिया है। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से ग्लू गन के सहायता से इसमें चिपका दूंगी कुछ इस प्रकार से। तो गाइस देखिए, ये अच्छे से सूख गया है। हमें इसके अंदर इसका पंखुड़िया को लगाना है। जो रिफिल की थोड़ी सी टुकड़ा ले थी वो टुकड़ा बहुत ही बड़ा था, इसको मैं कट कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से हम इसमें सेट कर देंगे। तो देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे से घूम रही है। ये इसके अंदर फ्रीली घूमना चाहिए। हम इसके अंदर थोड़ी सी छेद करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें USB कार्ड लगाना है। तो ये देखिए, ये वाली USB कार्ड मैंने लिया है। इसके अंदर चार बार होंगे, मैं दोनों को कट कर दिया है, केवल ब्लैक और रेड रखा है। तो ये जो रेड वाला वायर है इसको मोटर की रेड वाले एंड में हम कनेक्ट कर देंगे और जो ब्लैक वाला वायर है उसको हम मोटर की ब्लैक वाले एंड में कनेक्ट कर देंगे। इसका प्लस माइनस देख के उनको लगाना है तो ये मोटर अच्छे से काम करेगी। ये वाली सिंपल आइडिया कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो देखें ये कितनी अच्छे से घूम रही है, बढ़िया ठंडी से हवा दे रही है। अब इसके ऊपर एक जाली लगा सकते हो। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं लगाया है, आप लगा सकते हो। तो इसको स्टेबल रखने के लिए हम दो PVC लगा देंगे इसके नीचे कुछ इस प्रकार से। इसमें से थोड़ी सी स्क्रैच कर देंगे क्योंकि जो फेविक होती है पर बहुत ही अच्छे से चिपक जाती है। तो ये देखिए, मैं इसमें
थोड़ी सी फेब्रिक लगा देता हूँ। अब इस जगह ग्लू गन भी लगा सकते हो, ये अच्छे से चिपका देती है। ये वाली सिंपल आइडिया कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, मैं आपके लिए ज़रूर बना दूँगी। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। आप इसको बना सकते हो, ये बहुत ही अच्छे से काम करेगी। तो देखिए ये कितने अच्छे से हवा दे रही है। मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो में। ये सिंपल आइडिया कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।